Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत दिन के बाद एक informative और interesting video जो कि है दराज shopping haul के बारे में. So जैसे कि आपको पता है कि आजकल भाई online shopping का कितना ज़्यादा कोई trend चल रहा है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा बल्कि इसको एक मतलब trendy बना दिया कि online shopping कोई चीज़ देखी नहीं मेरी तरह. मतलब मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ online shopping करने की. देखते मतलब मैं भी जैसे दराज पर देख रही होती हूँ, स्क्रॉल कर रही होती हूँ, कोई चीज़ पसंद आ जाए तो कार्ट में डाल दी, कीमत कम है, फ्री डिलीवरी है. खासतौर पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है लोगों को, क्योंकि फ्री डिलीवरी है, कीमत चाहे किसी चीज़ की मतलब 10,000 तक ही क्यों ना हो, फ्री डिलीवरी हो तो बस फिर हम लोग ऑर्डर करने में ज़्यादा भी देर नहीं लगाते. तो इस तरह से मैं भी बहुत सारी शॉपिंग करती ही रहती हूँ. सो आज इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना दराज का शॉपिंग हॉल, आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. और दराज पे आपको पता है कि 11/11 की सेल भी आने वाली है. वीडियो मिले तब तो उनकी सेल ऑन हो गई, तो आपने इसे ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाना है. तो पिछले साल हमने भी जो है ना सेल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, मतलब काफ़ी तो प्राइसेस भी कम हो जाती हैं, काफ़ी डिस्काउंट्स होते हैं, वाउचर्स मिलते हैं, इसके अलावा DC भी फ्री होते हैं. तो फिर इस तरह से हम लोग मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ज़रूरत के मुताबिक हम लोग बाय करना चाहते हैं, कीमत उसकी ज़्यादा होती है, तो फिर आप इस तरह से सेल से फ़ायदा उठाकर शॉपिंग कर सकते हैं. तो पिछले साल भी हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी और मैंने भी इस पर एक डिटेल वीडियो भी अलग से बनाई थी जो कि दराज 11/11 शॉपिंग और ये वाली वीडियो है. अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें ये होता है कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आपको अगर चीज़ बाय करनी होगी उस चीज़ के बारे में सारा आपको रिव्यू मिल जाएगा, उसका मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, सारी डिटेल्स उस वीडियो में है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं. सो आज अभी हमने 11/11 की सेल से तो शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी शॉपिंग जो मैंने की है आप सबके साथ शेयर करूँगी डिटेल के साथ. तो उसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है, बिकॉज अक्सर हम जब देख रहे होते हैं जो चीज़ वहाँ पे कुछ और होती है और हम जब ऑर्डर करते हैं तो कुछ और होती है. तो इस तरह से जो है ना मैं आप सबको बताऊंगी कि वो आपको चीज़ बाय करनी है या नहीं करनी है, और इसके अलावा फ्री DC के साथ जो है ना आप चीज़ कैसे बाय कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी सवाल हो. तो चलें शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दराज अगर आपके पास हो और आप देखते रहे होंगे तो उसमें काफ़ी तरह से सेल्स और डिस्काउंट आते रहते हैं. जैसे कि आजकल जो चल रही है वो है 1800 में कोई भी 3 प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं. तो इससे पहले ना मेरे पास जब आ रही थी वो थी आई थिंक 1300 में समथिंग, इस तरह से है ना कोई भी चीज़ आप बाय कर सकते हैं 3. तो जो चीज़ें मुझे बेहतर लगी मेरी ज़रूरत के मुताबिक मैंने भी ऑर्डर की. सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ये मिनी सा ज्वेलरी बॉक्स जो कि आपने बहुत बार देखा होगा, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास देखा होगा या उनकी स्टोरीज़ वगैरह में, मतलब बहुत सारे इस तरह से जो है ना यूट्यूबर्स ने ब्लॉगर्स ने भी शेयर किया था, तो मैंने भी देखा था वहाँ पे. सो मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया. बिकॉज वैसे जो है ना आप अलग से इसको सर्च करेंगे तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है. तो इस तरह से मुझे जो मिला है ना जस्ट 400 समथिंग का, मतलब कोई 450 रुपये से भी कम इसकी कीमत थी. इसके अलावा DC भी जो थे ना इन तीनों चीज़ों के फ्री थे. बहुत सारे कलर्स थे तो मुझे ब्लैक कलर बेहतर लगा, बिकॉज आपको पता है कि फिर हमारी चीज़ों के साथ इस तरह चीज़ें पड़ी होती है तो अक्सर लाइट कलर हो तो गंदा हो जाए, जिप लगी हुई है, आप इसलिए इसको बंद कर सकते हैं, आपकी ज्वेलरी वगैरह जो है ना मतलब गिरेगी नहीं. बंद करने के बाद जो है ना जैसा उस पर पिक्चर में दिखाया था सेम एज इट इज़ जो है ना वैसे ही है. क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इसके अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने कोई भी चेन लॉकेट्स वगैरह को हैंग कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर भी आ जाएंगी. और इसके अलावा यहाँ पर और छोटी सी ज्वेलरी आ सकती है, और यहाँ पर सारी मेरी रिंग्स आ जाएगी. और ये ना ट्रैवल फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा है, मतलब अक्सर मुझे जो है ना आउट ऑफ सिटी मतलब विलेज वगैरह जाना होता है तो मुझे अपनी जो है ना ज्वेलरी को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ज्वेलरी कहाँ रखें, कैसे रखें, मतलब ख़राब होने का डर होता है. और फिर जब हमें निकालनी होती है ना तब भी हमें मिलनी नहीं होती कि थोड़ी बहुत ज्वेलरी हो अगर आपको कहीं जाना है ट्रैवल करना है, तो इस तरह से इसमें रख कर आपको सारी अपनी ज्वेलरी ईजिली मिल जाएगी. 100% रिकमेंड एक प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. तो आप इसको बाय करने में बिल्कुल भी देर ना करें अगर इस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है. मैं जो जो चीज़ें आपके सबके साथ शेयर करूँगी ना इन सबका लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो वैसे तो ये काफ़ी मतलब पहले से मैंने कुछ चीज़ें बाय की हुई हैं, और आपको होता है फिर अगर हम एक साथ भी सब कुछ ऑर्डर करते हैं तो अलग अलग शॉप के होते हैं तो फिर सारे पार्सल जाने में भी देर लगती है. इसलिए बस मैं यही वेट कर रही थी कि मेरे एक सारे पार्सल्स एक साथ आ जाए, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी. तो प्राइसेस मतलब मत जाइएगा, अगर मैं कोई प्राइस आपके साथ शेयर करूँ तो उसकी प्राइस आपको बाद में कम या ज़्यादा मिले तो इसके चीज़ के लिए जो है ना मैं आपके आपसे थोड़ा मतलब सॉरी करती हूँ कि बाद में मतलब कोई ना कहे कि भाई आपने तो मैं इतनी प्राइस बताई थी, लेकिन ओरिजिनल प्राइसेस की ये है. तो प्राइसेस तो सारी अप एंड डाउन होती रहती. मिनी स्पीकर
जो कि ब्लूटूथ स्पीकर होता है, और इस तरह से भी काफ़ी कलर्स थे, तो मैंने जो है ना इस तरह से ब्लू कलर में ऑर्डर किया। ये बहुत ही प्यारा सा इस तरह से कलर में एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है, और ये मैंने इसलिए लिया था कि मतलब अक्सर जो है ना हम लैपटॉप पे ड्रामास वगैरह देख रहे होते हैं, तो वैसे तो अकेला मतलब अगर देखे तो हैंड फ्री वगैरह लगा रहे थे, लेकिन एक दो फ्रेंड्स वगैरह हो ना तो फिर इस तरह से होती है प्रॉब्लम, बड़े बड़े स्पीकर्स वगैरह अटैच करो तो वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये स्पीकर इसके लिए बेस्ट है, इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, इसका 400 समथिंग में प्राइस के लिहाज से बेस्ट है, और इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, तो ये भी जो है ना मेरी तरफ से रिकमेंड है। सो इन चीज़ों के साथ जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की थी ना वो था ये गोशा स्टोन, गोशा कहते हैं, आई डोंट नो, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से स्टोन होता है एंड इसके साथ ये इस तरह से रोलर होता है, फेस मसाज के लिए, फेस की शेप बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और वैसे तो मतलब जो ओरिजिनल स्टोन होता है मेरे ख्याल से उसकी तो क्वालिटी और भी अच्छी होती होगी, लेकिन ये थोड़ा प्लास्टिक मेड लग रहा है इस तरह से, तो खैर फिर भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। क्वालिटी वाइज चीज़ें दोनों अच्छी है, इनका जो कलर है वो पिंक कलर में है, इसमें भी दो तीन कलर वहाँ पर अवेलेबल थे, सो मैंने पिंक कलर ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर जो है ना मसाजर आपको अपने फेस की क्लिनजिंग कर रहे हैं या हल्का सा सीरम वगैरह लगा कर अपने फेस की मसाज करें, फेस लिफ्टिंग के लिए बहुत बेस्ट है। सो इसके अलावा जो ये स्टोन होता है ना ये आप मतलब अपनी फेस की शेप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसकी जो इस तरह से शेप है ना तो उसको आप अपने फेस की मसाज या जो लाइन बनाने के लिए इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी तक इसको ट्राई भी नहीं किया, तो अगर आप इसका मतलब देखना चाहते हैं ना ट्यूटोरियल तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी इसको मतलब रिकॉर्ड करूँ एक अलग से ट्यूटोरियल। सो इसके अलावा ये चीज़ें जो है ना आपको मस्ट बाय करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके अपने स्किन केयर में भी इसको भी ऐड करना चाहिए। सो ये थे मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स, ये तीन वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने जस्ट 1300 में बाय किए थे। सो बड़ी बड़ी चीज़ें तो साथ साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं, आपकी बहुत काम आ सकती हैं, हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को इस तरह वो चीज़ों की ज़रूरत हो, तो इन सब चीज़ों का भी लिंक मिल जाएगा ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो हमारी कबर्ड से रिलेटेड हैं, जो कि मतलब हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देती हैं, और ख़ासतौर पे मतलब इस तरह से हमारी कबर्ड भी इतने अच्छे से वो नहीं सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो पा रही होती हैं, तो मतलब पार्टीशन है ना वो ऐसे बड़ी बड़ी सी है। तो मैंने दराज से पहले भी इस पर जो है ना चीज़ें जो ऑर्डर की थी उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप अपनी कबर्ड को किस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कि आपकी हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाए, और वो चीज़ें बार बार मतलब ख़ासतौर पर हमारे कपड़े होते हैं ना उनको निकालते हैं और रखते हैं तो वो सब बार बार उनकी तह जो है वो ख़राब हो जाती हैं और सेट करना मुश्किल होता है। लेकिन सो जब से मैंने वो शर्ट स्टैकर्स ऑर्डर किए थे ना दराज से और उनको अपनी कबर्ड में सेट करके रख दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी कबर्ड जो है ना अच्छे से सेट हुई रहती है, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, मेरे कपड़े वगैरह भी ख़राब होते ना मुझे ज़्यादा ढूंढने में मुश्किल होती है, मुझे पता होता है कि मैंने अब चीज़ इस वाली कबर्ड में रखा है और यहाँ पे है। सो ये वाले शर्ट स्टैकर्स है जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, काफ़ी कम प्राइस में थे, मतलब मैंने जो भी चीज़ अगर सर्च करती हूँ ना तो आप जाके उसमें अक्सर ढूंढते रहे तो आपको काफ़ी मतलब कम प्राइस में भी चीज़ मिल जाती है और अच्छी भी होती है। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये भी एक हमारा कबर्ड ऑर्गेनाइज़र है, अब अपनी चीज़ें डाल के इसमें रख सकते हैं, अपने कपड़े डाल के रख सकते हैं या फिर बच्चों के टॉयज़ वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक क्यूब ऑर्गेनाइज़र है, हार्ड सा है, इसका कलर जो है ना ब्राउन है, तो कलर तो है ना आपको मतलब रैंडम मिलता है, अक्सर आपके पास ग्रीन आ जाता है कभी ग्रे आ जाता है, तो मेरे पास ब्राउन कलर में है और इसकी क्वालिटी भी जो है ना काफ़ी अच्छी है, मैंने इस रखने के लिए भी इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है जिससे जो है वो इस तरह से बॉक्स सेट हो जाता है और इजीली हम इसके अंदर अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये भी एक बड़े काम की चीज़ है आपकी कवर्ड के लिए, अगर आपको अपनी चीज़ें वगैरह रखने में या कपड़े वगैरह रखने में परेशानी हो रही है ना तो ये आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। और जाएगा आई थिंक मैंने इसको ऑर्डर किया है जस्ट ₹200 में, सेम शॉप से ही जो मैंने कुछ और चीज़ें ऑर्डर की थी ना, ये हैं स्टोरेज बैग्स, और ये हम लोगों ने कोई 10-12 बाय किए हैं। काम की चीज़ें वैसे तो इनके क्वालिटी वाइज अगर हम देख रहे हैं तो कपड़ा कोई इतना खास नहीं है, लेकिन हमें जैसे अब सर्दियों के गर्मियों के कपड़े वगैरह संभालने होते हैं ना तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें बाज़ार से नहीं मिल पाती, तो इस तरह से दराज पर आपको हर वो काम की चीज़ें मिल जाएगी जो आप ढूंढ रहे होंगे और हमारी मुश्किल काफ़ी आसान हो जाती है। तो है तो इस तरह से ये देख ले ब्लैक कलर में है एंड यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ट्रांसपेरेंट जो है वो इस तरह से प्लास्टिक लगाया हुआ है ताकि उसके अंदर आप कपड़े रखें तो आपको क्लियरली नज़र आता रहेगा कि आपने अपने इसके अंदर कौन से कपड़े रखे हैं। 400 समथिंग में ना ये हमें 5 बैग्स मिले थे, तो ये हम लोगों ने तकरीबन 10 या 15 ऑर्डर किए हैं, बिकॉज कुछ इसमें से मेरे हैं कुछ सिस्टर्स के हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने मिलके काफ़ी सारे ऑर्डर कर लिए थे। सेम शॉप से ना मुझे जो चीज़ें मतलब नज़र आती है मैं वो भी देख लेती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगी या फिर किसी काम की हो तो वो भी हम साथ ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मुझे मिला था स्टोरेज पैक, आई थिंक इसकी प्राइस थी जस्ट 100 रुपीज़,
और ये इसकी क्वालिटी वाइज अगर हम देखते ना तो उसकी क्वालिटी बस ठीक ही नॉर्मल सी है, मतलब 100 रुपीज़ में आपको क्या ही मिलेगा भाई। तो इस तरह से जो है ना ये एक अभी इसकी शेप अच्छे से नहीं आ रही है, मतलब पैक होने के बाद जो है ना उसकी शेप कुछ बिगड़ गई है। खैर इसके अंदर जो है ना आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें रखकर अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखने हो वो रखकर कहीं भी ले जा सकती हैं। पूरी वही क्या बचा है वैसे, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना बिक गई हैं पूरे बेड पर ही। तो अब मेरे पास है कुछ इसमें चीज़ें, और ये सारी चीज़ें भी जो है ना हम लोगों ने एक ही शॉप से ऑर्डर की थी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ये, सो इसको हमने इनबॉक्स कर लिया है, और ये आप अपने किचन में जो है ना अपने कबर्ड के दरवाजे के ऊपर इस तरह से आप जो है ना हैंग कर सकती हैं इसको। तो जब भी हम लोग किचन में कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो काफ़ी मतलब कचरा वगैरह इस तरह जमा हो जाता है ना, तो आप इसके अंदर ईजिली जो है वो कोई भी इस तरह से जो भी प्लास्टिक बैग्स आते हैं घर पर पड़े होते हैं एक्स्ट्रा, वो इसके अंदर ईजिली यहाँ पर हैंग करके ना तो अपनी शेल्फ़ के साथ इसको लगा लें, जो आपके सारे कैबिन्स बने होते हैं उसके दरवाजे के ऊपर यहाँ पर जो है ना अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं, हैंग वगैरह भर जाए या फिर निकाल के इसको फेंक दे। तो ये काफ़ी ये भी जो है ना यूज़फुल चीज़ है और काफ़ी सस्ती भी है। नेक्स्ट जो है ना वो चीज़ मेरी बड़ी ही फेवरेट और मुझे बहुत ही पसंद आई है, बिकॉज जैसे मैंने देखी थी सेम वैसे ही मुझे रिसीव हुई है, और वो ये है हमारे शो ऑर्गेनाइज़र आप इसको कह सकते हैं। तो मुझे ना अपनी कबर्ड में मतलब बॉक्सेस, आपको पता है कि बॉक्सेस भी रखते हैं तो वो भी कुछ दिन के बाद सारे मतलब टूट फूट जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, हमारी जूतियाँ सारी ख़राब हो रही थी, खासकर जो वाइट स्नीकर्स वगैरह या जॉगर्स होते हैं ना तो वो मेरे मतलब बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और अच्छे से मतलब हम रख नहीं पा रहे थे और समझ नहीं आती कि हम कैसे रखेंगे ख़राब भी ना हो। दैन दराज पर जब हम लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट किया तो हमें बहुत ही अच्छे से इस तरह से ये शू ऑर्गेनाइज़र मिल गए हैं, और इसकी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, और जैसे दिखाया था सेम वैसे ही भेजा है। तो इसके अंदर आप अपने शूज़ को रख कर देन यहाँ पे जो है वो एक लगी हुई है इस तरह से डोरी सी, इसको नोट लगा के रख सकते हैं। जो चाहे तो आप अगर ट्रैवलिंग करें अपने जो है ना वो बैग्स वगैरह के अंदर भी अपने शूज़ हील्स रखनी है अपने जो भी जिस तरह की अपने जूते वगैरह रखते हैं वो भी डालकर इसमें रख कर जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और इसका साइज़ भी देखिए काफ़ी अच्छा है ना, बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये जस्ट हमें मिला है 100 रुपीज़ में एक ऑर्गेनाइज़र, ऑर्डर किया था ये मेरी सिस्टर ने कुछ चीज़ें इसमें ऑर्डर की थी। एंड ये है इस तरह से शॉवर कैप है, छोटे बच्चों को नहलाना होता है ना तो मतलब बड़ा होता है डर कि इनकी आंखों में पानी जाता है साबुन वगैरह जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कैप इसके लिए बनी हुई है। सो इसकी क्वालिटी अगर हम देखें ना तो क्वालिटी इसकी इतनी खास नहीं है, जैसे ऐसा जैसे फोमिक शीट्स की जैसे होती है ना वैसे ही है, या फिर बटन्स लगे हुए हैं आप इसको ईजिली अपने बेबी के हेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसी शॉप से ऑर्डर की थी वो ये थी जो क्रैक्ड हील्स होती है ना उनके लिए ये सिलिकॉन के जेल सॉक्स, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और ये मैंने पहले भी यूज़ किए हैं तो इसका तो मैं जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ। तो मेरे एक दफ़ा ना हील्स जो है ना पाँव की बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब हो गई थी, देन मैंने दराज पर जब ये देखा था तो मैंने ऑर्डर किया था, और कुछ दिन यूज़ करने के बाद ना मेरे हील्स काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे और अच्छे से मतलब इसने काफ़ी ठीक कर दिया था। तो ये ऑर्डर किया मेरी सिस्टर ने। सो ये चीज़ भी जो है ना काफ़ी बेस्ट है, मतलब अगर आपके हील्स काफ़ी ज़्यादा क्रैक्ड हैं ड्राई हैं तो आप अपने पाँव को अच्छे से वॉश करने के बाद कोई बॉडी लोशन वगैरह अप्लाई कर लें या फिर थोड़ी सी वैसलीन देकर अच्छे से अप्लाई करें, देन ये जो है ना अपने पाँव पर इसको वेयर करके सो जाएं तो आपको देखना एक दो दिन के बाद ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे कि इसने आपके हील्स को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया और पहले की नस्बत आपके पाँव कितने सॉफ्ट हो जाएंगे। बनाया हुआ ये भी सिलिकॉन का बना हुआ है इस तरह से और बहुत ही मज़े का है, मतलब दूसरे ब्रशेज होते हैं ना बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है उनको करना भी नहीं आ रहा होता, तो ये किसी भी चीज़ को बच्चे जैसे मुंह में डालती हैं तो इसको भी इस तरह से जो है ना मुंह में डाल के अच्छे से इस तरह से ब्रश कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट है ये और बच्चे इजीली और बड़े खुशी से इसको जो है ना कर लेंगे। और इसके अलावा जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी मम्मा जो है वो इस तरह से अपने फिंगर पर इसको वेयर करके देन हल्का हल्का सा इस तरह से इसको इसके साथ भी बच्चों को ब्रश करवा सकते हैं, ये भी काफ़ी मज़े की चीज़ है और काफ़ी सॉफ्ट है, क्वालिटी वाइज भी दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये भी जो है ना न्यू ममास जो है ना वो भी अपने बेबीज़ के लिए इसको बाय कर सकती हैं, 100 रुपीज़ मिल जाएंगी इजीली दराज से। सो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों ने इस शॉप से ऑर्डर किया था वो ये था, ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि आप अपनी कवर्ड के अंदर इसको हैंग कर सकते हैं। इसका भी जो कलर है ना वो इस तरह से ब्राउन है और यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है मैजिक, हमारी कबर्ड वगैरह के अंदर एक पाइप लगा तो इसके ऊपर अपने कपड़े वगैरह को हैंग कर रहे थे, तो इस तरह से इसके ऊपर जो है ना इसको हैंग करने के बाद इसको अच्छे से आप क्लोज करेंगे तो अच्छे से ये हैंग हो, ये इस तरह से बना हुआ है और ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और बना भी अच्छा, क्वालिटी वाइज भी
अच्छा है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती ना जो कबर्ड में हमें मिल नहीं रही होती, और इस तरह से इसके अंदर आप करेंगे तो वो सामने रहेंगी, आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं आएगी। तो चाहे तो आपके टॉवल्स वगैरह हो या छोटे बेबीज़ के कपड़े वगैरह हो, इसके अलावा आपके हैट्स हो सकते हैं या फिर बेल्ट्स वगैरह को फोल्ड कर ले सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी हमारी कबर्ड के अंदर चीज़ें होती है छोटी छोटी, जिनको हम कहीं और अच्छे से नहीं रख पाते, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। चीज़ें भी नहीं गुम होंगी, अच्छी भी लगेगी आपकी कबर्ड, और आपको चीज़ें भी जो है ना मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट एंड यूज़फुल प्रोडक्ट है मेरे पास, ये मिनी ट्राईपॉड कह सकते हैं आप, मिनी मोबाइल होल्डर कह सकते हैं। 200 समथिंग में इसको हमने ऑर्डर किया था। स्टिकर्स इस पर लगे हुए हैं, इस तरह से ये फोल्डेबल है, आप इसलिए इसको जो है ना अपने बैग में रख के कैरी कर सकते हैं। मतलब ख़राब होने का चांस नहीं रहेगा, आप कहीं भी जा रहे हैं तो टेबल पर रखें, अगर आपको कुछ देखना है मोबाइल पर तो वो भी, मतलब इतनी देर इंसान हाथ में मोबाइल पकड़े, फिर हमें अगर काम भी करना होता है किचन वगैरह में, किसी की कॉल वगैरह सुननी है, फिर जो है ना आप इसको अपनी मर्जी से इस तरह से डाउन कर सकती हैं। अगर आपको सीधा करना है तो बिल्कुल सीधा भी हो जाएगा। इसमें भी आपको काफ़ी सारे कलर इस तरह से मिल जाएंगे दराज पे। हिबिस्कस पाउडर, एक ये मैंने ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले ही, बिकॉज ये होता है हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट। आप उसको ना अपनी कोई भी, अगर आप अपने बालों के लिए मास्क तैयार कर रहे हैं ना घर पर, तो उसके अंदर आप इसको थोड़ा सा शामिल कर लें, आपकी बालों की हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपके बाल जो है ना काफ़ी गिर रहे हैं तो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। हिजाब पिंस, जो कि लूप पिंस है, तो ये मतलब मैं कब से इस तरह के पिंस ढूंढ रही थी कि जब भी मुझे ना हिजाब करना होता है, या और भी लड़कियां हैं जिनको पता है कि वही हिजाब करने में सेफ्टी पिन का बहुत ज़्यादा कोई इश्यू होता है कि हमारे हिजाब के अंदर फंस जाती है, हमारा हिजाब का पूरा बेड़ा गर्क कर देती है। आपको मिल जाते हैं इसके अंदर अपने हिजाब के अकॉर्डिंग, आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी ऐसे छोटी सी पिन है, और थोड़ी सी इसकी मतलब हार्ड भी है, क्वालिटी अच्छी है, इस तरह से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकती है। दूसरी सेफ्टी पिन के यहाँ पे जो ऐसे होल सा बना होता है ना, उसकी वजह से हमारे हिजाब के अंदर सेफ्टी पिन अटक जाती है, जिसकी वजह से हिजाब हो चाहे हमारे कपड़े हो सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो 100 रुपीज़ में ऑर्डर किए, 100 समथिंग इस तरह। अगर आप भी मेरी तरह हिजाबी कर लेना तो आपके पास ये लूप पिन ज़रूर होनी चाहिए। है वो है मेरा ये क्यूट सा लेंस केस, तो ये मुझे मिला था आई थिंक DC के साथ 300 समथिंग में। मुश्किल होता है मुझे हमेशा ही, अदरवाइज मुझे ये बहुत पसंद है, ओपन हो गया है। तो इसके ऊपर जो है ना इसका जो कलर है वो इस तरह से स्काई ब्लू कलर में है। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, लेंस ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर आपको मिल जाता है इस तरह से कंटेनर, जिसके अंदर आप अपने लेंजेस को रख सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हो तो इसके अंदर मेरे लेंस ऑलरेडी मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके साथ मिलते हैं आपको 2 टूल्स। सो इस टूल की हेल्प से आप अपने इस टूल की हेल्प से ना आप अपने लेंजेस को इस कंटेनर से इजीली निकाल सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो है ना लेंस लगाते हुए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल भी कचरा वगैरह हमारी आँखों के अंदर ना जाए लेंस के थ्रू। तो आप पकड़ के इनको अपनी आईज़ के अंदर इस तरह से लगा भी सकते हैं। अंदर मिरर भी मिल जाता है, जब भी आपको मतलब कहीं जाना है अपने बैग में इसको रख लें, और इसमें देखते हुए अपने आँखों में आप लेंजेस भी काफ़ी अच्छे से जो है ना लगा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मस्ट हैव प्रोडक्ट है बस शटर बटन। तो इस तरह से ये देखिए, इसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था आई थिंक किसी टिकटॉक में, मैं देख रही थी तो तब मैंने किसी के पास ये देखा था, तो मुझे काफ़ी यूज़फुल चीज़ लगी थी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हर कोई आपको नहीं बताता है, मतलब हमें भी इतनी नॉलेज नहीं होती, जैसे मुझे नॉलेज नहीं थी जब मैं मतलब मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया था कॉन्टेंट। तो ये जो है ना हर कॉन्टेंट क्रिएटर के पास होना चाहिए। इसके अंदर एक अदद सेल डलता है यहाँ से, एंड इसके इसको ऑन करने के बाद इसकी यहाँ से लाइट ऑन हो जाती है, और ब्लूटूथ के ज़रिए आप अपने फ़ोन के साथ इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल सकती हैं, यहाँ पे आप अपने आईफोन वगैरह के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तब भी आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। करता है आपको पिक्चर्स लेने के लिए, जहाँ पर जो है ना आपको इसको चला कर भी दिखाती हूँ। तो जैसे कि मुझे अब अपने वीडियो बना रही हूँ और मुझे थंबनेल के लिए पिक्चर चाहिए होती है, ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो फिर इस तरह से जैसे मैं इस प्रोडक्ट को पकड़ लूँ और देन इस बटन को पकड़ते हुए ना जस्ट ऐसे रखूँगी एंड बटन को प्रेस करूँगी और पिक्चर क्लिक हो जाएगी। सो फैमिली फ़ोटोज़ अच्छे से इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो कहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फ़ोन कैमरा में, एंड यहाँ पर मैं ओपन कर लेती हूँ अपनी पिक्चर वाली ऑप्शन। यहाँ से ब्लूटूथ भी कनेक्ट करनी है, पिक्चर्स क्लिक करनी है, देन पिक्चर वाली ऑप्शन में जाएंगे, एंड थोड़ा दूर से अगर क्लिक करूँ तो
ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छे से जो है ना मतलब पोस्टमार्क पिक्चर्स को हम क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि वीडियो वाली ऑप्शन चेक की है तो यहाँ पे बटन प्रेस कर लास्ट में हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं वो है हमारी ज्वेलरी और ये भी मैंने दराज से ऑर्डर करती है। ज्वेलरी में भी आपको जो है ना काफ़ी सस्ती ज्वेलरी मिल जाती है, दराज से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी मिल जाती है। और इस तरह से जो मैंने ऑर्डर की थी वो थी मेरे पास ये लूप्स, ये काफ़ी मतलब ट्रेंड में थे, काफ़ी फैशन में थे और मैंने कायनात फैशन के स्टोर भी देखी थी, उन्होंने भी बताया था, उन्होंने लिंक भी दिया हुआ था और ये आपको 100 रुपीज़ में मिले थे। जस्ट मैंने आई थिंक इसको 60 रुपीज़ में बाय किया था और काफ़ी मज़े के हैं। इनको मैंने अपनी एक वीडियो में भी वेयर किया था अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से चेन वाले थे। ओरिजिनल पिक्चर भी दिखाऊंगी और इसके अलावा मुझे कैसे मिले, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी आप देख सकते हैं कि कैसी चीज़ मिली है हमें। छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं। और ये मैंने कब ऑर्डर किया था, ये मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक ईद पर, जब ईद पे हम देखते थे तारा ड्रामा देखते थे तो उसमें ना तारा ने पहना होता था ये वाला नेकलेस, तो उसके अंदर छोटे छोटे इस तरह से चांद भी थे, तो मुझे वो मिला नहीं था तो फिर मुझे ये वाला अच्छा लगा था, दैन मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया था। और इसकी भी प्राइस काफ़ी मतलब कम थी, आई थिंक जस्ट 100 रुपीज़ समथिंग में मैंने बाय किया था। सो इसके अलावा मैंने दराज से ऑर्डर किया था ये वाला बैग और इसका भी कलर जो है ना काफ़ी प्यारा है, इस तरह से एक क्रॉस बॉडी बैग है, इसकी स्ट्रैप जो है ना वो इस तरह की बनी हुई है जो कि आजकल ना फैशन में काफ़ी मतलब इन है देखा था। तो इसकी जो प्राइस थी ना वो 1200 समथिंग की थी और इसके अलावा DC भी फ्री थे और ये जो थी ना मुझे चाइना से ही मिला है दराज के थ्रू। ये बैग मेरे घर तक मुझे रिसीव करने में तकरीबन 15 दिन कोई लग गए थे। सो मेरी दराज की सारी शॉपिंग हो चुकी है ख़त्म। इसके अलावा अगर हम लोगों ने दराज की गैर सेल से फ़ायदा उठाते हुए हमने कोई शॉपिंग की तो इंशाल्लाह वो भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी सेल से पहले ही काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है तो होपफुली आप सबको पसंद आई होगी, आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।